नमस्कार, इस वक्त हम मुंगेर में हैं और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। हमारे साथ में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता मनोरंजन मजुमदार जी हैं और इनसे जानेंगे कि राजनीति में कब आए और कैसा संघर्ष रहा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साधना न्यूज को। आपने पूछा है कि राजनीति में कब से आए। मैं जेपी आंदोलन में भागलपुर में महीनों तक जो है जेल में बंद रहा और आंदोलन से मेरी राजनीति में शुरुआत हुई और कर्पूरी ठाकुर के सानिध्य में मैं रह करके समाजवादी विचारधारा को अपना के मैं राजनीति कर रहा हूँ। जब तक मैं विपक्ष में रहा, विपक्ष में रहते हुए मैंने जो आंदोलन संघर्ष किया, पुलिस की लाठियां खाई, चाहे वह पीजी का सवाल हो, मुंगेर में यूनिवर्सिटी बनने का सवाल हो, मुंगेर में कमिश्नरी बनने का सवाल हो, मुंगेर में गंगा पर पुल बनाने के सवाल हो, सभी सवालों पर मैं जितना भी वीआईपी उस समय कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर आए उस समय हमारी गिरफ्तारी हुई, पुलिस का दंड हमने खाया है, संघर्ष आंदोलन किया है। उस आंदोलन के बलबूते पर हमारी पहचान एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आज भी मुंगेर में बरकरार। लगभग कितने दिनों से जो है राजनीति आप करते आ रहे हैं मनोरंजन जी? लगभग 74 के आंदोलन से लेकर आज तक 40 साल से ऊपर, 4 दशक से ऊपर का राजनीति जीवन हमारा है। और मैं युवा लोकदल में जब नीतीश कुमार जी जो आज हमारे नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं, वो जब प्रदेश के युवा लोकदल के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय मैं पुराना मुंगेर जिला का युवा लोकदल का अध्यक्ष था। अच्छा, राजद में जो है आपको सम्मान तो मिला, पद मिला, लेकिन जेडीयू में आपको क्या मिला अभी तक? जनता दल यू में लगभग 15 वर्षों से मैं जनता दल यू में हूँ। उसके पहले मैं राष्ट्रीय जनता दल में था और राष्ट्रीय जनता दल के नीतियों को मैंने देखने का काम बहुत नज़दीक से किया। वैसे तो मैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू यादव जी के भी करीब रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल नकली सामाजिक न्याय के नाम पर अगड़ा पिछड़ा को लड़ाई लगाने की बात करते हैं और समाज में जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम करते हैं और नकली सामाजिक सद्भावना की बात करते हैं, सांप्रदायिक दंगा को बढ़ावा देने का काम उन्होंने किया। जबकि आज आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी आज सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सामाजिक सद्भावना वास्तविक रूप में उन्होंने बनाने का काम किया। आज सभी वर्गों के न्याय के साथ विकास की बात वो करते हैं, चाहे वह अल्पसंख्यक हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सभी लोगों का विकास उन्होंने बड़े पैमाने पर किया और इतिहास रचने का काम बिहार में किया है। आज वह समाजवादी विचारों को, चाहे वह कर्पूरी ठाकुर का सामाजिक विचारधारा हो, चाहे वह डॉक्टर लोहिया का आदर्श हो, चाहे वह जयप्रकाश नारायण जी का विचार हो, उन तमाम विचारों को, तमाम सिद्धांतों को, जो समाजवादी विचारधारा है, उसको योजनाओं के माध्यम से बिहार की धरातल पर उतारने का काम किया। सामाजिक न्याय वास्तव में वह क्या होता है उसको दर्शाने का काम किया, सामाजिक समरसता के माध्यम से सभी में भाईचारा बना रहे, बिहार में अमन चैन कायम रहे, इसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया। आज बिहार में अमन चैन शांति है, विकास चारों तरफ हो रहा है और जो मांग हम लोग 74 में किया करते थे, विश्वविद्यालय की स्थापना हो, मुंगेर में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और मैं इसके लिए धन्यवाद यहाँ के सांसद हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू को भी देते हैं कि ललन बाबू ने जो बिहार, विकसित बिहार के लिए नीतीश कुमार जी अग्रसर हैं, आगे बढ़ चढ़ के काम करें, उसी तरह मुंगेर विकसित हो सभी क्षेत्रों में, इसके लिए आदरणीय ललन बाबू लगातार प्रयास कर रहे हैं, इनकी भी हम सराहना करते हैं, इनको भी हम साधुवाद देते हैं। अच्छा, मुंगेर की जनता पूछ रही है कि नीतीश कुमार मंचों पे जो है वो घोषणा करते हैं कि बिहार में 24 घंटा बिजली जो है मिल रहा है लोगों को, लेकिन अभी स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब है और जो स्टूडेंट हैं वो तो अभी कोरोना काल से वो निकले, 3 साल वो उनकी पढ़ाई चौपट हुई, अब जो है वो स्कूल जाने लगे तो अब वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे रात में, तो इस पर क्या कहें?
अभी तत्काल कुछ टेक्निकल कारणों से कुछ कठिनाइयां आ रही होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी ने तो स्पष्ट घोषणा किया था कि घर घर हम बिजली पहुंचा देंगे और 24 घंटा बिजली रहेगा, और आज यह स्थिति है कि पूरे बिहार में बिजली के मामले में कहीं कोई शिकायत नहीं है। आज जो है बिजली अगर कटता भी है कुछ देर के लिए तो लोगों को लगता है कि बिजली आएगा, लेकिन पहले जब पति पत्नी के शासन में बिजली कटता था तो लोग दिया जलाने के लिए बाध्य हो जाते थे कि लाइन नहीं आएगा। आज लाइन कटता है तो तुरंत आता भी है। कुछ टेक्निकल कठिनाइयों तो मजुमदार जी देखिए, पहले तो कम से कम मिट्टी तेल मिलता था और वहाँ पे जो है मिट्टी तेल से जो है अपना घर दिया जलाते थे, लेकिन अभी जो है वो भी मिट्टी तेल नहीं मिल रहा है, लोग अंधेरे में अब काटने को मजबूर होते रात भर। देखिए महंगाई एक मुद्दा जरूर है, चाहे वह तेल का मामला हो, पेट्रोल का हो, डीजल का हो, यह सब मामला है। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलता है, तेल कंपनियां इसको निर्धारित करती है। इस पर भी हमारे नेता लगे हुए हैं, हमारे नेता इस पर भी विचार कर रहे हैं कि कैसे क्या इसमें कमी लाया जा सकता है, आम आवाम के सुविधा के लिए क्या रास्ता चुना जा सकता है। इसके लिए बेहतर जो रास्ता होगा उसके लिए भी हम लोग प्रयास करते रहेंगे। अच्छा, मुंगेर के विकास के लिए आपने क्या कार्य किया? मुंगेर के विकास के लिए जब तक विपक्ष में थे हम लोग, तो विपक्ष में संघर्ष आंदोलन के बलबूते पर हम लोगों ने जिन जिन मांगों को उठाया था, आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने उन तमाम मांगों को पूरा करने का काम किया है। मुंगेर में एक नहीं दर्जनों शैक्षणिक संस्थान खोले गए, ANM खोला गया, GNM प्रशिक्षण केंद्र खोला गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला गया, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया, पूरे बिहार में कहीं नहीं है, एकमात्र मुंगेर में वानिकी महाविद्यालय यहाँ मुंगेर में खोला गया। और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि मुंगेर में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की घोषणा हुई है, जो इसी सत्र में बनकर तैयार हो जाएगा, और इसके लिए राशि भी स्वीकृत कैबिनेट से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कर दिया है। विश्वविद्यालय की बात है, विश्वविद्यालय जो पुराना मांग था वो पूरा हुआ। गंगा पुल आप देख रहे हैं, यह पुल नीतीश कुमार की देन है। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे उन्हीं के समय में यह स्वीकृत हुआ, और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसका आधारशिला रखा था। आज यह पुल चालू हो गया, मुंगेर के लोगों के लिए काफ़ी यह सुखद चीज है कि मुंगेर में लगातार विकास, चारों बगल विकास हो रहा है, रोड सड़क पुल पुलिया का निर्माण। अच्छा, विकास की आप बात कर रहे हैं, पुल पे जो है आप रात के समय जब जाएंगे तो वहाँ पे पूरा अंधेरा छाया रहता है, और साथ में जो स्थानीय पुलिस है, थाना क्षेत्र जो पड़ता है, तो वहाँ पे अब उनका उगाही का अड्डा बन गया है। देखिए ये तो विपक्ष के लोग इस तरह की बात प्रायः बोलते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ लुकना निकालते हैं, लेकिन जो अच्छाई है, जो खूबी है, जो खूबसूरती है इस पुल का, उसके बारे में लोग चर्चा नहीं करते हैं। आज जो है कितना किलोमीटर कम हो गया खगड़िया और बेगूसराय की दूरी, एक दूसरे शहर से जुड़ चुका है इस पुल के कारण, और यह ऐतिहासिक चीज़ है। जिस पुल के बारे में आप बता रहे हैं, जहाँ तक लाइट का सवाल हो, लाइट लगाया जा रहा है। इस संबंध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू ने भी सांसद कोटा से DDC को कहा है कि इस संबंध में आप लाइट जो है अंधेरा जहाँ है पुल के पास प्रवेश द्वार पर वहाँ पर लगाने का काम करें, और वह शीघ्र लग रहा है, और जो भी त्रुटि है वह त्रुटि सब दूर कर लिया जाएगा। ये बेहतरीन चीज़ है मुंगेर के लिए, मुंगेर में व्यवसाय बढ़ेगा, मुंगेर में आवागमन बढ़ेगा, मुंगेर में रोजी रोजगार के अवसर पैदा होंगे, इसलिए यह पुल का एक विशेष महत्व है। अच्छा, मुंगेर की सड़कें भी आज जो है बहुत जर्जर हो चुकी है, जैसा लालू यादव के राज में हुआ करता था, आज उससे भी खराब स्थिति आज देखा जा रहा है मुंगेर के लोगों को, उसका सामना करना पड़ रहा है। मुंगेर में सड़क गली गली और पूरा सड़क PCC गली बन चुका है, मेन रोड बन चुका है, 4 लेन आप जो उठा करके देख लीजिए, और इधर जो है इधर 4 लेन मुंगेर से लेकर के जो है मिर्जा चौकी तक 4 लेन की स्वीकृति हुई, और उस पर काम लग गया है, उस पर काम लग गया। और आदरणीय नेता ललन बाबू को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि 250 परिवार जो जिनका जमीन अधिग्रहित हो रहा था, पुल 4 लेन में जा रहा था सफियाबाद के लोगों का, उनका मकान बच गया, और ग्रीन लैंड के माध्यम से
या जो है फोर लाइन रोड जाएगा, इसके लिए मैं धनबाबू को बधाई देता हूँ कि धनबाबू ने इस संबंध में लोकसभा में उठाया। आदरणीय पथ निर्माण मंत्री केंद्र सरकार के गडकरी साहब से बात किया और पहल करके उन्होंने एलिमेंट को चेंज करवाया, ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए बहुत बहुत धनबाबू को बधाई। अच्छा, अभी जो है वर्तमान में जो है सर के जो जेएमसी के द्वारा तोड़ा जा रहा है, पाइपलाइन का काम चल रहा है, आपको अगर जमालपुर जाना हो तो आपको बहुत घूम करके जाना पड़ेगा, तो बहुत ख़राब स्थिति है अभी सड़क का, तो इसके लिए क्या अभी वर्तमान में सरकार कर रही है? ये सड़क जो है ये अभी एक विकास के लिए ही सड़क अगर कोड़ा जा रहा है, जलापूर्ति योजना के लिए बनाया जा रहा है, शिवहर योजना के लिए जो है तोड़ा जा रहा है, तो उसके मरम्मत की भी व्यवस्था है, उसकी मरम्मत की व्यवस्था शीघ्र जो है सभी सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। चमचमाती सड़क पूरे बिहार में है, नीतीश राज में, सड़क के बारे में आप चिंता छोड़ दीजिए, सड़क बिजली पानी जो दैनिक सुविधा है वह तो आम आवाम को मिलता रहेगा। नीतीश राज में अमन चैन शांति और भाईचारा जो स्थापित है, एक भी सांप्रदायिक तनाव और दंगा नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिक तनाव जहाँ हो वहाँ के DM और SP नपे जाएंगे और त्वरित कार्रवाई होती है, इसलिए ऐसे मामले में नीतीश कुमार का कोई जोड़ा नहीं, नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं, नीतीश कुमार एक विकास पुरुष ही नहीं, नीतीश कुमार एक ऐतिहासिक पुरुष बन चुके हैं, जिन्होंने अपने कार्य के बलबूते पर पूरे भारत में और पूरे विदेशों में भी जिनकी सराहना आम आवाम के बीच हो रही है वह है नीतीश कुमार जी। अच्छा, ताज़ा मामला है मनोरंजन जी, अभी बिहार में शराबबंदी है और लगातार शराब से मौतें भी हो रही है, ऐसे में आज जो है मुंगेर में अम्बे चौक में जो है एक व्यक्ति की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई, तो इस पर क्या कहें? इस पर तो हमारे नेता आदर नीतीश कुमार जी घूम घूम करके समाज सुधार अभियान के तहत घूम घूम करके बोलने का काम कर रहे थे कि भाई शराब मत पियो, शराब मत पियो। आखिर शराब आता कहाँ कैसे है? फिर बॉर्डर से ही आता है ना, और कार्रवाई थानेदार पे होगी इस पे? देखिए, कानून बनता है, कानून के इम्प्लीमेंट के लिए कार्रवाई जरूरी है और कार्रवाई हो रही है। आज अरबों खरबों रुपए का शराब पकड़ा जा रहा है, सप्लायर पकड़े जा रहे हैं, आज भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी जिनके सांठगांठ से हुआ तो वैसे लोगों पर हजारों पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई भी है, बहुत लोगों पर विभागीय कार्रवाई चल रही है, बहुत लोगों को सस्पेंड किया गया है, बहुत शराब पकड़े जा रहे हैं और उसके लिए त्वरित कार्रवाई स्पेशल सेल बना दिया गया है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, और KK पाठक जैसे तेज तर्रार IS को उस पर लगाया गया है, उनको प्रभार दिया गया है, पूरे बिहार में शराब नहीं आए, सप्लायर पकड़े जाए और जो साजिश करता है, जो शराब बेचवाने वाले लोग हैं, वैसे लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है। चलिए, थैंक यू। आप देख रहे थे मनोरंजन मजूमदार जी का, सुन रहे थे जो भी ये कहे, मुंगेर से गौरव मिश्रा, साधना न्यूज़।